हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर GSTTI GS कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे वी लुकअप, सिंगल कॉलम वी लुकअप और मल्टी कॉलम वी लुकअप। तो आज हम यहां पर इन दोनों ऑप्शंस को सीखेंगे वी लुकअप में। तो सबसे पहले मैं यहां पे मैंने वैसे लगा रखा है, बट मैं इसको डिलीट कर देता हूं। मैंने यहां से इसको दोनों डेटा को डिलीट कर दिया। और लुकअप लुकअप का सबसे अच्छा काम यह है कि आपके पास यदि बहुत सारा आपके पास ह्यूज अमाउंट में डेटा है, आपके पास यदि ह्यूज अमाउंट में डेटा है तो उस पार्टिकुलर डेटा से पार्टिकुलर आइटम को या पार्टिकुलर कॉलम को आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो वी लुकअप का काम यही है, वी फॉर वर्टिकल, लुकअप में से ढूंढना। तो सबसे पहले मुझे जो यहाँ पर शेफाली सिंह है, शेफाली सिंह का मुझे ईयरली एमआई देखना है, तो इक्वल वी लुकअप टैब दबा दिया। लुकअप वैल्यू, मैंने लुकअप वैल्यू इसको A31, मैंने कहा कि जो मेरी वैल्यू है वो A31 में है। टेबल अरे पूछ रहा है कि आपका जो डेटा है वो कहाँ है, तो मैंने इसको बोला, अपनी शीट को कमांड दिया कि डेटा मेरा जो है वो यहाँ पर है, और मैंने यहाँ से उसको F4 से लॉक कर दिया और फिर ब्रेक और उसके बाद कॉमा। फिर ये कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम या इंडेक्स नंबर से आप देखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर 7 को देखना है, और उसके बाद मैंने कर दिया ब्रैकेट को क्लोज और उसके बाद कर दिया एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल आ गया, यहाँ पर जो नॉट अप्लीकेबल आंसर आया है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक चीज यहाँ पर लास्ट में जैसे ही कॉलम इंडेक्स नंबर देते हैं तो उसको मैं रेंज देता हूँ कि जो मुझे लास्ट की वैल्यू चाहिए, जो मुझे वैल्यू चाहिए, जीरो का मतलब वन है, जीरो का मतलब फॉल्स है, वन का मतलब है कि ट्रू। तो मुझे क्या चाहिए, जो फॉल्स है, जीरो का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू और वन का मतलब अप्रोक्सीमेट, तो मैं यहां पर जीरो दूंगा कि मुझे जो आंसर चाहिए वो एग्जैक्ट मैच का चाहिए, तो इसीलिए मैंने जीरो दिया है और उसके बाद फिर कंट्रोल एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहां पर शेफाली सिंह का जो ईयरली ईएमआई है वो 75,600 है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर इसका डेटा, इस बच्चे का डेटा ये रहा, यहां से आप देखेंगे तो 75,600 यहां पर ये डेटा आ रहा है। फिर उसके बाद हम मल्टी कॉलम वी लुकअप पे चलते हैं। तो मल्टी कॉलम वी लुकअप के लिए सबसे पहले आप पूरे रेंज को क्या करेंगे, पूरे रेंज को आप चूज कर लेंगे। इक्वल वी लुकअप फार्मूला सेम रहेगा, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी ये रहेगी और F4 से लॉक कर देंगे, और फिर उसके बाद टेबल अरे पूछ रहा है कि टेबल अरे क्या है, मैंने कहा कि टेबल अरे मेरा ये रहा, और मैंने यहां से इसको शिफ्ट और डाउन एरो की से मैं सिलेक्ट करता हुआ आ रहा हूं, F4 से मैंने लॉक कर दिया इसको, और उसके बाद टेबल अरे को फिर कॉलम इंडेक्स नंबर यहां से मैंने लिख दिया COLU कॉलम्स लिख दिया, कॉलम सॉरी मैं यहाँ से F2 करूँगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, दोबारा से मैं इसको कर लेता हूँ, गलत कमांड दे दिया मैंने, COLUMN COLUMN मैंने कॉलम दे दिया, कॉलम का रेफरेंस नंबर ये दे दिया मैंने, और यहाँ से फर्स्ट वाले को मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं C34 को लॉक कर देता हूं, और उसके बाद D34 जो है वो आगे बढ़ता हुआ जाएगा, और फिर उसके बाद मैंने इसको बोला कि जो मुझे वैल्यू चाहिए वो जीरो चाहिए, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने और कंट्रोल के साथ मैंने एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे जो मेरा आंसर आ गया वो पूरा का पूरा गलत आ गया। दोस्तों यहाँ पे मेरे फार्मूले में कुछ दिक्कत है, मैं F2 करके क्लिक करता हूँ इसको, और उसके बाद कॉलम, जो कॉलम है इसको मैं यस कर देता हूँ, कॉलम्स कर देता हूँ, और फिर यहाँ पर जीरो कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने कंट्रोल एंटर कर दिया। आप देखेंगे कि जो मेरा आंसर आया वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। अगर यहाँ पर अगर आपने ड्रॉप डाउन नहीं बना रखा है तो मैं आपको बता दूँ कि ड्रॉप डाउन कैसे बनता है। मैं डेटा में जाता हूँ, मैं डेटा वैलिडेशन से मैं यहाँ सबसे पहले अप्लाई टू क्लियर ऑल कर देता हूँ और ओके कर दिया। जो यहाँ पर डेटा है वो हट गया है। अब मुझे यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाना है,
मैं डेटा वैलिडेशन पे फिर से जाता हूँ। डेटा वैलिडेशन से मैं लिस्ट को चूज करता हूँ। लिस्ट से सोर्स, सोर्स मीन्स जो हमारा डेटा है वो कहाँ पर है, जो हमारा डेटा है वो कहाँ पर है। मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की से क्या कर लिया, पूरे डेटा को एक साथ एक सेकंड से कम भी टाइम में मैंने उसको चूज कर लिया, ओके कर दिया। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मेरा ड्रॉप डाउन है वो दोबारा बन गया है। आप देखेंगे कि जो यहाँ पर आंसर आ रहा है, जो यहाँ पर आंसर आ रहा है वो सबका, जो मेरे कस्टमर्स हैं या जो मेरे बच्चे हैं सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी शीट पर सिंगल कॉलम मल्टी कॉलम वी लुकअप का यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन हमारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।